नमस्ते आदाब सतकाल और हेलो, कैसे हैं आप लोग। ईद के व्लॉग्स आप लोगों को आज से ही देखने को मिल जाएंगे। आज वनडे एक आज आएगा, थोड़े डिले से आएंगे लेकिन एक आज आएगा, एक कल आएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा व्लॉग चैनल जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो जी, श्रीकांत मूवी का ट्रेलर आया था। राजकुमार राव हैं, ज्योतिका हैं, अलाया हैं। और श्रीकांत के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं तो ये मूवी श्रीकांत बोला के ऊपर है, जो कि एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बोलांत इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं। और ही इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट इन मैनेजमेंट साइंस एट जो ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। और इनके ऊपर ये है, और राजकुमार राव जो हैं वो श्रीकांत प्ले कर रहे हैं इसमें। तो देखते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, और देखने के बाद फिर आपसे करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। ड्रीमर्स नॉट द साइंटिस्ट। मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर एपीजे अब्दुल। आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ओहो, थैंक यू सर। व्हाट इज योर नेम? ये सर, माय नेम इज श्रीकांत बोला। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये असल में भी मुलाकात हुई थी। झगड़ा वहीं से शुरू किया था। आ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भगता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा। आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर, न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत। तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT, सबके बारे में पता है मुझे। सर, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट। आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन। सर, आई नीड यू, ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। सर, आप प्लीज इनको बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं। मेरा एडमिशन नहीं होगा पढ़ना। समवन प्लीज हेल्प मी। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। हम डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है, एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। एक्टिंग बहुत अच्छी की है यार। सब आ रहा है, सबकी आंखें खोल। बंदा के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। अच्छा, इनके पार्टनर है, साथ बने ना ये। कमाल है यार। एंड में वो आता पापा कहते हैं बड़ा ना, इसका क्या, क्या कमाल है ना। बीच में इमोशनल भी सीन्स भी आए, थोड़े फनी भी थे बहुत। हाँ, बीच में कॉमेडी फनी तरीके से। और वो एक तो राजकुमार राव की अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि
वो किस तरह से वो रियलिटी ला रहे थे ना, और जिस तरह वो ब्लाइंड बनने की जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की वो अच्छा जब स्टार्ट होते हैं दो लड़कियां कहती हैं कि मैं ऑफिसर बनूंगी, कोई कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगी ना, तो मैं फर्स्ट इंडिया का विजुअली इंपेयर्ड प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो सब हंसना शुरू हो गए ना, तो वो बैठ गए और एपीजे अब्दुल कलाम साहब सामने खड़े हैं और वो भी वो सुन रहे हैं और वो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, श्रीकांत बोला। हाँ तो मैं बचपन उनका फिर दिखाते हैं कि मैं भाग नहीं सकता, फाइट कर सकता, मैं लड़ सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि किस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं, उनको वो कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि वो साइंस पढ़ सकें, और फिर उनको यूएस से शायद आती है स्कॉलरशिप, हाँ यूनिवर्सिटी की हाँ। लेकिन वो उनके साथ फिर कोई जाने को तैयार नहीं होता, हाँ, फ्लाइट वाले, वो बड़ा इमोशनल सीन था कि आप अकेले नहीं जा सकते, वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन कोई भी नहीं जाता, फिर वो रोते हैं कि मुझे भीख नहीं मांगनी है, मुझे पढ़ना है टीचर, हाँ, बड़ा इमोशनल सीन था। वो कहते हैं कि हम इस तरह इन्वेस्ट करते हैं ना अब्दुल कलाम उनके उसमें, तो वो फिर कहते हैं जितने भी ब्लाइंड हो गए उन सबको हम जॉब देंगे। और एंड में बड़ा मजेदार सीन आता है कि वो शरद केलकर के साथ बैठे हैं और एक कहते हैं अंधे की मदद करो, तो वो कहते हैं पैसे दे रहे हो, नहीं पैसे नहीं देना इसको, हम जॉब देंगे। तो और आज ये अगर इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने जो चाहते थे वो किया भी है, और ये इनकी अपनी इंडस्ट्री है बुलांत इंडस्ट्रीज, और फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट, कमाल है यार, मतलब है कि जो सोचो वो आप कर सकते हो। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपको पता हो ना कि रियल स्टोरी है, फिर आपको एक्ट करना सब बहुत होता है। और वो एंड में ये भी बोलते हैं कि ये हम पे हमारे मतलब ये मत सोचो कि हम वीक हैं या हमारे पे कोई आपको दया करनी है, आपको बेच के खा जाएंगे हम, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो अपने और इनकी जो साथ हैं वो अलाया हैं जो इनको शायद बाहर मुल्क में मिलती हैं, तो ये रियल में है, तो ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी ये मूवी, क्योंकि बच्चों को पता चलेगा, हाँ, ये सच्ची में है। तो मतलब लोग काफी जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा। राजकुमार राव के लिए तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, बाकी ये है कि यार कमाल है, बहुत कमाल है। तो और इसमें जो इन्होंने ये डाला ना कि थ्रू आउट इमोशनल नहीं रखी, कॉमेडी का एलिमेंट भी डाला हुआ है, कॉमेडी के साथ और इमोशनल दोनों के साथ। लोगों ने उसको ये कहा तो उसने कहा कुक रुक रु, तो बहुत अच्छा लगा देखकर, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय व्लॉग्स, एंड जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इस दिन आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट एक्शन डेली, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।